यू नो एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, दलजीत उनके साथ खेल रहे हैं, इज लुकिंग रियली गुड। देखते हैं यहाँ पे लॉन्ग रेंज फाइट्स में किस तरह से टीम आईएनडी आगे वाले टीम से फाइट लेती है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे टीम आईएनडी काफी एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो टीम को परेशान कर सके, लेकिन टीम सोल यहाँ पर उसका एक शिकार बन सकते हैं क्योंकि वाइपर वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे मौजूद है। लेकिन वाइपर ट्रांस को यहाँ पर एक नॉक देंगे, ऑल्दो यहाँ पर बहुत कम एचपी जो थी यहाँ पे ट्रांस की मौजूद थी, लेकिन किल कन्फर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर किल कन्फर्म करना है तो वाइपर को नीचे आना पड़ेगा एंड वाइपर अच्छे तरीके से जानते हैं कि नीचे जाने का कोई भी मतलब नहीं है। उनके पास सर्कल है, उनकी टीम के पास सर्कल है, बहुत आराम से वो लोग यहाँ पे टीम आईएनडी को रोक सकते हैं, गेट कीप कर सकते हैं उनके लिए क्योंकि एक ही जगह है अब यहाँ पर अंदर आने के लिए टीम आईएनडी के लिए। एंड वहां पर अगर अपना एडीएस खोल के रखा एंड उसको यहां पर स्प्रे दिया तो कुछ प्लेयर्स जरूर नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल प्रिंस, बट जोन पे अगर नजर डालें तो फिर से सोल के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे एक जोन बनता हुआ एंड ये जोन को काफी ज्यादा फायदा देगा। रेगल्टोस यहाँ पे आ चुके हैं, वाइपर को थोड़ा लेट किया गया बट सोल वाइपर इज लुकिंग रियली गुड, नॉक करेंगे वहां पे दलजीत को एंड रेगल्टोस ब्लेजी इमॉर्टल एवरीवन इज लुकिंग टू रश इन, आईएनडी को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जोन का सेंटर छोड़ के जा रहे हैं बट प्रिंस एंड बाकी टीमें वहां पे अगर सेंटर में होल्ड कर लेगी मुश्किल हो जाएगी सोल के लिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर टीम सोल को कलेक्टिव रश करना पड़ेगा, साथ मिलकर रश करना पड़ेगा वरना यही देखने को मिलेगा। स्लेयर नॉकडाउन करते हुए ब्लेजी को, स्लेयर नॉकडाउन करते हुए मॉर्टल को, स्लेयर नॉकडाउन करते हुए रेगल्टॉस को, स्लेयर यहां पर मॉर्टल को फिनिश भी कर देंगे, उनको किल्स यहां पर उनकी मिल जाएंगी एंड इसी के साथ टीम सोल एलिमिनेट हो जाएगी पूरी तरीके से। Slayer has just slid Team Soul out of Miramar. यहाँ पे कमाल का, you know, ये इस चीज की मैं बात कर रहा था, Team IND 7 kill, what a player man, that nade changed the game on its head.